हापुड़ कोतवाली में भाकियू अराजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नगर अध्यक्ष की बाइक बरामद करने की मांग। कल हुई थी चोरी हापुड़ में। भाकियू अराजनीतिक के नगर अध्यक्ष की कल बाइक चोरी हो गई थी, जिससे आक्रोशित पदाधिकारी कोतवाली पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कोतवाली का घेराव करते हुए बाइक की बरामदगी की मांग की। पुलिस अधिकारी भाकियू पदाधिकारी को शांत कराने में जुटे हैं। दरअसल फ्रीगंज रोड से गुरुवार को भाकियू नगर अध्यक्ष राजवीर की बाइक चोरी हो गई थी, जिसके बाद शुक्रवार को जिला अध्यक्ष पवन हून के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कोतवाली में धरना दिया। उनकी मांग है पुलिस चोरी हुई बाइक को जल्द बरामद करे। उन्होंने कहा वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस लोगों का उत्पीड़न करती है। एक महापौर बाइक सीज की गई थी, लेकिन अभी तक बाइक का कोई पता नहीं लगा। हालांकि पुलिस का कहना है रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है, जल्द बाइक को बरामद कर लिया जाएगा। हापुड़ से संवाददाता राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। जब किसान इन्हें धरना देती है कहीं, वो सबकी मांग के लिए धरना देती है, वो भारत देश के न्याय के लिए धरना देती है, वो सबके हित के लिए धरना देती है, अपनी मांग के लिए धरना नहीं देती। और वही नौजवान अब तक बात करने के लिए तैयार नहीं है, ये बड़ा सोचने का विषय है। क्योंकि हम जब भी सम्मान करते हैं जवान का पहले नाम लेते हैं, किसान का बाद में करते हैं। तो साथियों भारतीय संविधान के साथियों ये दिन कोई भी आए दिन घटना बढ़ती जा रही है। अभी हमारे एक किसान यूनियन के पदाधिकारी ने बताया, हाँ उनके नीचे जो निजामपुर वहां चौकी है, जब किसान अपने खेत पर काम करने के लिए जाता है तो हेलमेट को ले जाएगा नहीं, उसका भी करार कर दिया जाता है। वो कहता हूँ मैं खेत पर काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो साथियों का सोचने का विषय है। जब किसान खेत पर काम करने जा रहा है वो हेलमेट को नहीं ले जाएगा, और वो कहता है सबसे अपने खेत में काम करता हूँ, सबके लिए करता हूँ।